लोग हमारे चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। देखिए एक न्यू वैकेंसी निकल के आई हुई है ITBP कांस्टेबल मेसन आर कारपेंटर की, ठीक है, और प्लम्बर की, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ITBP कांस्टेबल मेसन आर कारपेंटर, ठीक। ये जो है 19 अगस्त को जो रिलीज हुआ है फॉर्म, ठीक है, ये 19 अगस्त को यहाँ पर पोस्ट हुआ है, ठीक। और देखिए इसको अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास देखिए डेट जो है अप्लाई करने का, जो स्टार्ट करने का डेट है अप्लाई का, देखिए 19/8/19 अगस्त से जो है स्टार्ट हो गया अप्लाई करने का, ठीक। और लास्ट डेट अप्लाई करने का है 17 सितंबर का, ठीक है, 17/9/2022 को, ठीक। और लास्ट डेट पेमेंट का भी जो है 17 सितंबर है, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट अभी देखिए नोटिफाइड सुन दे रहा है, अभी आया नहीं, ठीक। और यहाँ पर देख लीजिए फीस के बारे में बात करेगा, कितना कितना फीस लगेगा किन लोगों का, ठीक है। यहाँ पर देखिए जनरल OBC EWS का 400 लगेगा, SC ST का, EX सर्विस मैन वालों का 0 रुपये लगेगा, ठीक है। यानी SC ST ये सर्विस मैन जो हैं उन लोगों का कोई फीस नहीं लगेगा, और जो है ऑल कैटेगरी फीमेल का भी कोई फीस नहीं लगेगा, ठीक। और एज लिमिट देख लीजिए इसमें कहाँ कितना कितना होना चाहिए, देखिए 18 साल से कम ना हो और 23 साल से ज़्यादा ना हो, ठीक है। एज जो है आप लोगों का 17/9/2022 को काउंट किया जाएगा, इतने डेट को आप लोगों का 18 साल पूरा हो जाना चाहिए और 23 साल से ज़्यादा ना होना चाहिए, ठीक है। और देखिए एज में छूट भी मिलेगा आप लोगों को आगे, वही बताएंगे इसमें। देखिए जो पोस्ट निकल के आया है टोटल पोस्ट इसका 113 पोस्ट है, ठीक है। ये देखिए ये पोस्ट का नेम है इसका ITBP कांस्टेबल कारपेंटर का, ठीक है, ये कारपेंटर का पोस्ट का है, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए टोटल पोस्ट इसका 56 पोस्ट है, ठीक है। और इसमें जो जो योग्यता इसे मांगा हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए क्लास 10 आप लोगों का पास पास आप लोग के पास क्लास 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आप लोग मैट्रिक पास हुए हों, ठीक। और यहाँ पर देख लीजिए विथ दिया है ITI सर्टिफिकेट, ठीक है। इनमेसन मेसन में आप लोगों का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और अथवा करके दे रहा है कि कारपेंटर में होना चाहिए या तो प्लम्बर में होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ITI सर्टिफिकेट में आप लोगों का या तो मेसन से हो या कारपेंटर से हो या तो प्लम्बर से हो, तब आप लोग जो इसका अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और साथ में 10 का आप लोग का हाई स्कूल का भी मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देख लीजिए जो ITBP कांस्टेबल जो मेसन का निकल के आया है इसमें देख लीजिए 36 पोस्ट है, ठीक है। और जो ITBP कांस्टेबल जो प्लम्बर का निकल के आया है इसमें 21 पोस्ट है, ठीक। टोटल ये सब पोस्ट निकल के आया है, टोटल ही 113 पोस्ट निकल के आया है, ठीक है। अब देख कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, ठीक। यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर, ठीक है, ITBP कांस्टेबल जो कारपेंटर का इसमें देख लीजिए जनरल का यानी UR वालों का 29 पोस्ट है, ठीक है। OBC वालों का 6 पोस्ट है, EWS का 6 पोस्ट है, SC का 7 है और ST का 8 है, टोटल 56 पोस्ट निकल के आया है, ठीक। और यहाँ पर देख लीजिए जो मेसन का है उसमें UR का 17 है, OBC का 3 है और EWS का 3 है, SC ST का 4 4 है, टोटल ही 36 पोस्ट है, ठीक। और जो प्लम्बर का इसमें देख लीजिए जनरल का 12 है और जो है OBC का 2 है, EWS का 2 है और SC का 2 है और ST का 3 है, ठीक। यही 21 पोस्ट इसका निकल के आया है, ठीक है। जो है जो ITBP कांस्टेबल का जो निकल के आया था फॉर्म यही था, इसकी शॉर्ट वैकेंसी भी आई है, मतलब कि फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, मतलब यही इसका जो है वैकेंसी था, ठीक है। तो आप लोग अगर इसके एलिजिबल हों, अगर इसके योग्य हों तो आप लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को और कुछ ना समझ में आओ, मतलब कि इसमें से अगर कोई डाउट हो आप लोगों को, तो आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब मैं इसके आगे का प्रोसेस बताऊँ, इसके आगे जब मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका आप लोगों का वीडियो मिल सके, ठीक।